दोस्तों, हमारे देश में कोर्ट केसेस में देरी लगना एक सामान्य समस्या रही है, जिसका एक कारण यह भी होता था कि किसी सिविल या फौजदारी केस में कार्यवाही के दौरान के किसी ऑर्डर को केस की कोई पार्टी चैलेंज कर देती थी, और जिस कोर्ट में ऐसे ऑर्डर को चैलेंज किया जाता वो कोर्ट नीचे की कोर्ट में पेंडिंग ट्रायल पर रोक लगा देती थी, जिससे ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही लंबे टाइम तक के लिए रुक जाती थी। इस प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रीसरफेसिंग रोड एजेंसी वर्सेस सीबीआई के मैटर में गाइडलाइंस जारी करी थी कि अगर कोई भी अपील कोर्ट किसी लोअर कोर्ट में चल रही किसी सिविल या फौजदारी ट्रायल पर रोक लगाता है तो ऐसा आदेश 6 महीने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा अगर अपील कोर्ट ने उस स्टे ऑर्डर को रीजंट ऑर्डर से बढ़ाया नहीं हो। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच के साथ किया था कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही लंबे टाइम तक बिना कारण के ना रुके और कोर्ट में चल रहे केसेस में बिना मतलब के देरी ना हो। लेकिन किसी जजमेंट के हमेशा मनचाहे परिणाम ही आए ये भी जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एशियन रिसर्फेसिंग वाले जजमेंट के बाद भले ही किसी रिट या रिविजन में 6 महीने में सुनवाई किसी भी कारण से पॉसिबल ना हो पाई हो, स्टे ऑर्डर अपने आप वैकेट माना जाता था और ट्रायल कोर्ट को भी कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ऐसे में जिस पार्टी ने ट्रायल कोर्ट के किसी ऑर्डर को चैलेंज किया था उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। काफी बार तो ऐसा भी हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल पूरी करके जजमेंट कर दिया और जिस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था उस कार्यवाही में सुनवाई ही पॉसिबल नहीं हो पाई। इससे एक पार्टी को नुकसान जरूर होता था और कहीं ना कहीं ये चीज नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी थी, इसलिए इस पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ी, जो कि अभी हाल ही में किया गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के मैटर में। इस रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस बात पर विचार किया कि जो डायरेक्शंस एशियन रिसर्फेसिंग वाले मैटर में दिए गए थे क्या वो सही हैं या उनमें बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फिर से विचार किया कि किसी कार्यवाही में इंटरिम ऑर्डर क्यों किया जाता है और अगर कोई इंटरिम ऑर्डर किया गया है तो क्या वो अपने आप खत्म हो जाना चाहिए या नहीं। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि जब कभी ट्रायल कोर्ट के किसी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है और चैलेंज करने वाली पार्टी कोर्ट से ये रिलीफ चाहती है कि जब तक उस ऑर्डर बाबत अपील कोर्ट सुनकर तय ना करे तब तक नीचे की कोर्ट में ट्रायल को रोका जाए, तो कोई भी कोर्ट ट्रायल को ऐसे ही तो रोक नहीं देता, बल्कि पार्टी को सुनकर ऐसा लगता हो कि मैटर उसके फेवर में जा सकता है तो ही इंटरिम ऑर्डर से मेन केस में चल रही ट्रायल पर रोक लगाई जाती है। अब ये भी कानून का सिद्धांत है कि कोई भी इंटरिम ऑर्डर या तो तब खत्म होता है जब मेन केस ही खत्म हो जाए या फिर कोर्ट किसी दूसरे ऑर्डर से इंटरिम रिलीफ को वैकेट कर दे। लेकिन एशियन रिसर्फेसिंग वाले मैटर के बाद स्थिति बदल गई और ट्रायल पर स्टे के इंटरिम ऑर्डर को 6 महीने में अपने आप वैकेट माने जाने लगा, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था क्योंकि इसमें सबसे बुरी बात तो ये थी कि जिस पार्टी को सुनकर और केस को प्राइमा फेसी उसके फेवर में मानकर कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ उसको दी थी, ऐसा ऑर्डर खत्म करने के लिए उसे सुना ही नहीं गया और ना ही जुडिशियल माइंड अप्लाई किया गया। दूसरी बात यह कि ट्रायल कोर्ट को जिस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और जिसमें इंटरिम रिलीफ के रूप में ट्रायल पर रोक लगाई गई थी उसमें 6 महीने में सुनवाई हो पाना या नहीं हो पाना केवल पेटिशन फाइल करने वाले के कंट्रोल में तो होता नहीं है, फिर उसे इस बात की सजा क्यों दी जाए। दोस्तों, न्याय का एक सिद्धांत ये भी है कि किसी भी पार्टी को कोर्ट की किसी गलती के कारण सफर ना करना पड़े। जो एशियन रिसर्फेसिंग वाले मैटर में डायरेक्शन दिए गए थे उनमें ट्रायल कोर्ट के लिए ये डायरेक्शन भी था कि ट्रायल पर स्टे होने से 6 महीने खत्म होने के तुरंत बाद की डेट तय की जाए और स्टे हटाने के लिए हाईकोर्ट के किसी फॉर्मल ऑर्डर का इंतजार ट्रायल कोर्ट को नहीं करना है बल्कि केस में कार्यवाही को आगे बढ़ाना है। इससे दूसरी पार्टी को अनफेयर एडवांटेज भी मिलता है, इसलिए स्टे ऑर्डर अपने आप में हटने वाला कॉन्सेप्ट हर तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे वो संविधान के आर्टिकल 142 में मिले पावर्स को यूज करते हुए दिए थे, इसलिए इस बात पर भी विचार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 में मिले पावर्स का यूज करते हुए इस टाइप के डायरेक्शन जारी कर सकता है क्या,
जो हर केस पर लागू हो जाएं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आर्टिकल 142 के पावर्स का यूज सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब किसी मैटर में पूरी तरह से न्याय करने के लिए दायरे से थोड़ा आगे बढ़कर कोई आदेश देना जरूरी हो जाए। लेकिन आर्टिकल 142 के पावर्स को प्राकृतिक न्याय से परे जाकर तो कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। दूसरा डिस्कशन ये भी है कि आर्टिकल 142 के पावर्स का यूज केवल उसी मैटर की हद तक किया जा सकता है जिस पर सुनवाई हो रही है, जबकि एशियन रिसर्फेसिंग वाले मैटर में सुनवाई करके एक जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया जो हर पुराने और नए केस पर लागू हो गया, जो कि आर्टिकल 142 की मंशा नहीं है। इन सारी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिसर्फेसिंग वाले मैटर में जारी किए गए डायरेक्शंस को खारिज कर दिया और ये कहा कि अब से 6 महीने में कोई भी स्टे ऑर्डर अपने आप खत्म नहीं होगा। दोस्तों, इसी बात का ये पहलू भी है कि अगर स्टे ऑर्डर एक टाइम के बाद अपने आप खत्म नहीं होंगे तो केसेस में डिले टैक्टिस होगी, क्योंकि हाई कोर्ट्स में मेन पिटीशन में सुनवाई में काफी टाइम लग जाता है। तो इस चीज को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिखा कि जब हाई कोर्ट किसी मामले में विरोधी पार्टी को सुने बिना ट्रायल पर रोक लगाने का कोई ऑर्डर करे तो वो ऑर्डर एक निश्चित टाइम तक के लिए ही होना चाहिए, और जब विरोधी पार्टी मैटर में अपीयर हो जाए तो फिर से सुनवाई करके ट्रायल पर रोक लगाने या नहीं लगाने के बारे में तय करना चाहिए। और साथ ही जिन मैटर्स में ट्रायल पर रोक लगाई गई है उन मैटर्स को सुनवाई में प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर विरोधी पार्टी के पास ट्रायल पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए ग्राउंड्स मौजूद हैं तो वो भी ऐसी रोक को हटाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है तो कोर्ट उसको लंबे टाइम तक पेंडिंग नहीं रखेगा बल्कि प्राथमिकता से उस पर सुनवाई करके जल्द से जल्द तय करेगा। इस जजमेंट के होने वाले प्रभाव का असेसमेंट तो हम अभी से नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो कारण जजमेंट में दिए गए हैं वो काफी तर्कपूर्ण है, क्योंकि पहले वाली स्थिति में जिस व्यक्ति को एक बार हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाती तो 6 महीने बाद उसकी स्थिति काफी अजीब हो जाती थी, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाती और 6 महीने बाद क्लियर और रीजन्ड ऑर्डर फिर से जारी नहीं होने के कारण से ट्रायल कोर्ट को केस में आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ये स्थिति तो नहीं होगी। दोस्तों, आपके और भी कोई लीगल सवाल हो या आप अपने किसी लीगल मैटर पर डिस्कस करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर हमसे कॉन्टेक्ट करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही जानकारियां रेगुलर प्राप्त करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।